अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। 23 अगस्त को जमानत पर अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है, दूसरे पक्ष को भी सुना जाएगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अभी सीबीआई जो मामला था उसमें राहत नहीं मिली है। सीबीआई की गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने चुनौती दी थी, जिस पर आज सुनवाई होनी थी और सुनवाई में अभी भी राहत नहीं मिली। अगली सुनवाई की जो तारीख है वो 23 अगस्त दी गई है। 23 अगस्त को अगली सुनवाई होगी जमानत पर और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है, दूसरे पक्ष को भी सुना जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल फोन लाइन पर जुड़े हुए और ज्यादा जानकारी लेंगे। विशाल, जिस तरह से देखें कि अभी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को किसी प्रकार की राहत नहीं मिली, क्योंकि ईडी वाला जो मामला था उसमें तो राहत मिल गई थी, जमानत मिल गई थी, लेकिन सीबीआई की गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी थी, लेकिन अभी इस पर राहत नहीं मिली है। हमने देखा, सभी को उम्मीद थी, खासतौर पर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को, कि आज जो है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा इंडिपेंडेंस डे से पहले उससे जरूर कोई राहत मिलेगी। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई भी राहत अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये जो दलील रखी गई कि जब अरविंद केजरीवाल को बाकी केसेज में जो है तीन तीन बार जमानत मिल चुकी है, तो सीबीआई वाले मामले में जमानत से वंचित क्यों रखा जा रहा है। जो अभिषेक मनु सिंघवी है अरविंद केजरीवाल के वरिष्ठ वकील, उन्होंने ये दलील रखी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब देते हुए कहा कि अभी सीबीआई के पक्ष की तरफ से कोई भी यहां मौजूद नहीं है, जिसके लिए चलते हमने सीबीआई को एक नोटिस जारी करेंगे और सीबीआई से 23 अगस्त तक जवाब मांगा जाएगा और 23 अगस्त को ही जो है अगली सुनवाई होगी, जिसके बाद ही ये फैसला आ पाएगा कि क्या अरविंद केजरीवाल वापस दिल्ली की सत्ता में काबिज हो पाएंगे या फिर उन्हें जेल से ही जो है अपना और आगे का समय गुजारना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से तो साफ तौर से कहा जा रहा है कि जिस तरह से दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है, सत्यमेव जयते के नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल को भी बेल मिल जाएगी जल्द ही, ये कहा जा रहा था, लेकिन अभी भी किसी भी प्रकार की राहत नहीं मिली। अब देखना होगा कि 23 अगस्त को जो सुनवाई होगी उसमें किसी प्रकार की राहत मिलती है या फिर नहीं मिलती है। जी बिल्कुल, आज जैसा कि आज सौरभ भारद्वाज ने भी एक प्रेस वार्ता करी थी और उसमें भी उन्होंने जिक्र किया और पूरी उम्मीद जताई कि आज जो कोर्ट का फैसला आएगा उस वो पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के पक्ष में होगा। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो बयान दिया कि अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी, तो अब 23 अगस्त से पहले कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी भी हमने देखा अभिषेक मनु सिंघवी ने एक स्पेशल अपील दर्ज करी थी सुप्रीम कोर्ट में कि जो सुनवाई है वो आज ही 14 अगस्त को हो जाए। हालांकि 20 अगस्त को होनी थी, लेकिन आज ही सुनवाई हुई और एक आम आदमी पार्टी को ये भी आशंका थी कि अगर 14 अगस्त को ही जो है पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जमानत मिल जाती है तो 15 अगस्त का झंडा कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के द्वारा ही फहराया जाएगा। और वहीं 16 अगस्त को अरविंद केजरीवाल का जन्मदिन भी आता है, तो जन्मदिन से पहले ही आम आदमी पार्टी को काफी उम्मीदें थी कि जो जश्न मनाया जाएगा वो इनके बाहर पार्टी कार्यालय में मनाया जाएगा, लेकिन फिलहाल 23 अगस्त तक ये जश्न पर जो है पाबंदी जरूर लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और अब देखना ये रहेगा कि 23 अगस्त को जो फैसला आता है क्या वो ईडी सीबीआई के पक्ष में आता है या फिर आम आदमी पार्टी के पक्ष में। बिल्कुल बिल्कुल, अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल की राहें आसान होती है या मुश्किल, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल विशाल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।